धरना प्रदर्शनकारियों को मिला व्यापारियों का सहयोग। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक रहा बाजार बंद। शासकीय स्कूल व बस स्टैंड के समीप संचालित अंग्रेजी देशी शराब को नगर से बाहर किए जाने, बीते 2 नवंबर से लगातार चल रहा धरना प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। बताया गया कि धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों के आह्वान पर आज 10 नवंबर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक व्यापारी वर्ग भी शराब दुकान अन्यत्र किए जाने की मुहिम में शामिल रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रतिष्ठान बंद किए। आपको बता दें कि कटनी जिले के रिठी बस स्टैंड पर संचालित अंग्रेजी व देशी शराब दुकान विगत कई वर्षों से बालक एवं कन्या माध्यमिक शाला के बगल से संचालित है। इस शराब दुकान को यहां से हटाए जाने की को लेकर ग्रामीण 2 नवंबर से धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गांव के बाहर शराब दुकान स्थापित की जाए। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई गई। जब तक शराब दुकान को अन्य जगह परिवर्तित नहीं किया जाएगा तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि कटनी जिला प्रशासन रिठी वासियों की जनभावनाओं एवं उचित मांग पर क्या निर्णय लेते हैं। रिठी से उम्मेद कुशवाहा की रिपोर्ट। रिठी के कुछ नागरिकों द्वारा रिठी बंद का आह्वान किया गया था। देसी शराब दुकान को बस स्टैंड से गाँव के बाहर स्थानांतरित करने के संबंध में रिठी बंद का आह्वान बुलाया गया था, उसी संबंध में बंद की गई है। तो जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, तो उसमें आप सहमत हैं? मैं पर सहमत नहीं हूँ। रिठी बंद का जो सफल आयोजन दिख रहा है मुझे, आज मुझे लग रहा है कि रिठी नगरवासियों की मौन स्वीकृति इस बात को दर्शाती है। रिठी बंद का जो सफल आयोजन आपको दिख रहा है, ये एक मौन स्वीकृति है कि शराब दुकान को गांव के बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वहां बस स्टैंड क्षेत्र है, स्कूल है, गांव-गांव से बेटियां आती हैं पढ़ने स्कूल, वहां से बस से चढ़ती हैं, काफ़ी बच्चियां बसों के माध्यम से गांव-गांव अपने अपने घर घर जाती हैं। ऐसे स्थिति में शराब दुकान को वहां से थोड़ा कहीं गांव के बाहर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। तो पूरी व्यापारियों की इसमें सहमति है? बंद का समर्थन इस बात का बिल्कुल पूर्ण संकेत है कि यह मौन समर्थन है पूरे व्यापारियों का, पूरे नगरवासियों का, कि देसी शराब दुकान और अंग्रेजी शराब दुकान को रिठी नगर से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना चाहिए। क्या सुनना आपका? मुकेश कंदेले।